का संस्कृत का उच्चारण इतना शुद्ध। नमामि कमलम अमलम अतुलम सुजलाम सुफलाम मातरम। आज विश्वास मनु मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था कि तुम्हारा उच्चारण पकड़ूंगा मैं, और मैं तुमसे बोलूंगा कि देखो तुम हिंदी गाने गाती हो, हिंदी उर्दू मिक्स गाने गाती हो, बहुत सुंदर गाती हो, पर तुमने इसको ठीक से सीखा नहीं शिता, संस्कृत बोलने में गलती हो गई। मैं ये बोलना चाहता था, तुमने मुझे मौका नहीं दिया। के बारे में तो कुछ बोलने की वो ही गुंजाइश ही नहीं है, आप तो इतना अच्छा गाती हैं, इतनी खूबसूरत। अच्छा बहुत छोटा शब्द है, यू सिंग सुपरलेटिवली वेल, लेकिन जब गाने के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आप प्रेजेंट करें, तो उसके बाद मुझे नहीं लगा कि इन गानों पर मैं बैठकर जज कर सकती, मुझे लगा कि इन गानों की इज्जत के लिए, उन लोगों की इज्जत के लिए, उन शहीदों की इज्जत के लिए, मेरे इस खूबसूरत देश के लिए जिसमें गरीबी भी है, अमीरी भी है, इच्छा भी है, चाहत भी है, कोशिश भी है, तो इसके लिए उनकी इज्जत में मैं बैठ नहीं सकी। कैसा होता होगा इंसान जो अपनी देश के ऊपर अपनी जान निछावर करता है, वो कैसे होंगे भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये हमारी पीढ़ियों को, नई पीढ़ियों को जानना चाहिए। दे कांट बी जस्ट पिक्चर्स, दे वर पीपल हु लिव्ड, पीपल हु लव्ड एंड पीपल हु फॉट, एंड आई एम सो प्राउड दैट आई एम बोर्न इन दिस ग्रेट कंट्री कॉल्ड भारत। सो थैंक यू, वेल डन, वेरी वेल, थैंक यू सो मच। देश तब बनता है जब कुछ दीवाने उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वाह पाशा, वेरी वेल, अगर ऐसा नहीं है तो देश नहीं है, वो एक टुकड़ा ही है जमीन का। और जो हमारा जो देश है ना, उसको प्रोटेक्ट करने वाले ऐसे बड़े दीवाने ही हैं वो, पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं। बट इशिता, मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगा कि तुमने इस गाने को बहुत अच्छे तरीके से निभाया, इस गाने की भी इज्जत रखी है और इस देश की, इस मिट्टी की, इस मंच की भी इज्जत रखी है। थैंक यू सो मच। तुम्हारा संस्कृत का उच्चारण इतना शुद्ध। नमामि कमलम अमलम अतुलम सुजलाम सुफलाम मातरम। आज विश्वास मनु मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था कि तुम्हारा उच्चारण पकड़ूंगा मैं,
और मैं तुमसे बोलूंगा कि देखो तुम हिंदी गाने गाती हो, हिंदी उर्दू मिक्स गाने गाती हो, बहुत सुंदर गाती हो, पर तुमने इसको ठीक से सीखा नहीं इशिता, संस्कृत बोलने में गलती हो गई, मैं ये बोलना चाहता था, तुमने मुझे मौका नहीं दिया।